नमस्कार, मैं विभांशु, मैं अभी बांका जिला अंतर्गत तारा मंदिर परिसर में हूँ। यह स्थल आस्था का केंद्र होने के साथ साथ योग का भी एक विशेष केंद्र बन गया है। यहाँ पिछले 1.5-2 दशक से लगातार योग की कार्यशालाएँ आयोजित होती आ रही है। नियमित रूप से योगाभ्यास करने वाले कुछ लोगों से जानेंगे, उन्हें योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से कितना बदलाव आया है, वह अब कैसा अनुभव करते हैं और योग के संदर्भ में उनका क्या नजरिया है। यहाँ सब योग की साधना कर रहे हैं, पर यहाँ ना कोई गुरु है और ना कोई चेला। सभी एक दूसरे को योग के आसनों की सलाह देते हैं और रोग भगाते हैं। जी, अपना परिचय देने के साथ। मैं योगेंद्र जी, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान नया सुबह का पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के द्वारा, और मैं माँ तारा मंदिर परिसर में 2001 ईस्वी से लगातार नियमित योग कक्षा का कार्यक्रम चलता है और इसमें निशुल्क योग सिखाते हैं और मैं योग प्रशिक्षक मैं ही हूँ और जिला प्रभारी भी हूँ भारत स्वाभिमान के अंतर्गत। पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति और महिला पतंजलि योग समिति, मतलब 5 संगठन के कार्य उसमें होता है जिला की ओर से। और यह तारा मंदिर नियमित तक जो कक्षा होती है 5 बजे से 7 बजे तक नित्य प्रतिदिन। इसमें हमारे जितने भी भाई हैं, बहन भी हैं, जो भी उपस्थित होते हैं, या ऐसे भी लोग हैं जिनको कि कठिन से कठिन बीमारी से पीड़ित थे और वह ठीक भी हो जाते हैं। योग से वो भी बीमारी, आप कठिन, जैसे आपको चलना फिरना नहीं पा रहे हैं, जैसे सैटका से प्रॉब्लम है, आपका फ्रोजन शोल्डर है, आपका स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सारा बीमारी, कठिन से कठिन बीमारी भी ठीक हो जाता है। बीपी वगैरह, बीपी शुगर, तो बीपी तो कंट्रोल ही हो जाता है, शुगर भी कंट्रोल रहता है, सारा चीज़ आपका पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, हार्ट से संबंधित जितनी भी समस्या है। आ इसका प्रमाण हमारे सुशील भैया जी, अदर आप यहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि हार्ट में पिन लगा हुआ है, हृदय में, कमलकांत झा, और वो उनको ये 8 सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर है, इनका मैं प्रमाण देता हूँ कि ये हमारे यहाँ करीब करीब 8 साल से लगातार योग कर रहे हैं और शीर्षासन करके कपाल भांति करते हैं, अरे तो उनका शीर्षासन करवा देंगे, उनका फोटो लीजिएगा और देखिए, उनसे पूछिए कि ये हार्ट बाय सर्जरी क्या हुआ है वो आदमी। हाँ, और इनसे आइए कमल बाबू, नाम बताया जाए। हाँ, मेरा नाम कमलकांत झा है, मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और योग से करीब 8 साल से जुड़ा हुआ, जब से मैं रिटायर किया हूँ। क्या और प्रॉब्लम था कि वो हार्ट में जो है वो ब्लॉकेज हो गया था, इसमें स्टेंट लगा हुआ है, फिर भी मैं योगा शुरू किया था और सर योगा में मयूरासन, शीर्षासन, मंडुकासन और मयूरासन भी 2 तरह से, मयूरी आसन भी मैं आसानी से कर लेता हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार राय है। क्या प्रॉब्लम? हृदय रोग से ग्रसित है और दवाई अभी चल रही है हालांकि, लेकिन जब से हम योगा कर रहे हैं बहुत बहुत हमको आराम है, बहुत अच्छा, बहुत फायदा है। आइए इधर देखिए, आइए इसका पैक लेना है, ले लीजिए, खाइए ना, खाइए ना। जी, नाम बताइए। मेरा नाम नंदलाल यादव है, हम भारत स्वाभिमान का सह प्रभारी हैं और प्रत्येक दिन तारा मंदिर में मेरा योग चलता है, करते हैं, कराते हैं
और आज 22 साल से करते हैं। मेरे पास में बहुत सारा बीमारी था, अभी मेरे पास में जो है सो कोई बीमारी क्या क्या था हा? क्या क्या था कुछ बीमारी का नाम? बहुत भूल गए, बहुत था जो कि हम डॉक्टर को भी नहीं बता पाते थे क्या क्या। हाँ सही। भारत स्वाभिमान न्यास के पदाधिकारी यहाँ समन्वय करते हैं। 23 साल से लगातार योग का सामूहिक अभ्यास चल रहा है। यहाँ किसी को पैसा नहीं देना होता, सब केवल एक दूसरे को सलाह देते हैं।